प्लीज हमारे चैनल बेस्ट होम मेकर कविता को सब्सक्राइब करें और हाउसवाइफ से रिलेटेड हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोरमेट बताने जा रही हूँ। पम-पम वाले जो हम पम-पम बनाते हैं उससे मैं आपको डोरमेट बनाना बताऊंगी, जिसके लिए देखिए मैंने दो कलर की ऊन ली है। और सबसे पहले हम जो गोल सर्कल में कपड़ा लेंगे और उसे कट करेंगे जिसपे हम ये पम-पम लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको फोर लेयर में किया हुआ है, देखिए दो लेयर और ये दो लेयर, इसको फोर लेयर में किया है हमने। अब आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा आप कपड़ा ले सकती हैं। ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। अब 1 मीटर में से हम देखिए इस तरीके से यहां से निशान लगाएंगे 12 इंच पे। ये हम इसे गोल सर्कल में, जैसे हम ऑरेंज में कोई भी स्कर्ट वगैरह कट करते हैं उसी तरीके से हम इसको ऐसे गोल सर्कल में कट कर लेंगे फोर लेयर कपड़ा करके। ये हम 12 12 इंच पे ही लगाएंगे पूरे में निशान। और इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। और अब इसको हम कट कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारा गोल सर्कल में बिल्कुल कट हो गया है। अब हम इस पे, अब सबसे पहले हम आपको पॉम पॉम बनाना बताएंगे। अब देखिए हम आपको पॉम पॉम बनाना बताएंगे। सबसे पहले हमने ये जो ऊन ली है ये देखिए इसको हम ऐसे दो फिंगर के ऊपर लपेटेंगे इस तरीके से। जितना बड़ा आपको बनाना है उस तरीके से आपको इसे लपेटना है। ये हमको इतने बनाने हैं जितना कि हमारे इस डोरमेट में लगेंगे। अब उसके बाद यहां से हम इसे कट कर देंगे और एक टुकड़ा और लेंगे उनका। और देखिए जो हमने ये अभी फोल्ड किया है इसको हम ऐसे बीच सेंटर में रख के और इसको ऐसे टाइट से बांधेंगे हम। ऐसे इसे खींच के बांध देंगे बिल्कुल। और जो ये कपड़ा अब ज्वाइंट है इसको हम अलग कर देंगे। और फिर देखिए इसे ऐसे खोल के और बराबर करेंगे। जैसे कहीं से छोटे बड़े दिख रहे हैं उनको हम इस तरीके से बराबर कर देंगे। ये आपको बिल्कुल गोल बनाना है। इससे क्या होता है कि अगर हम दो फिंगर में लगाते हैं तो ऊन ज्यादा वेस्ट नहीं होती। अगर तीन फिंगर में लगाते हैं तो जैसे मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ना इसकी, तो ये ज्यादा कटिंग करनी पड़ेगी आपको। अब ये देखिए हमारी थोड़ी सी ऊन लिख रही है और ये पॉम पॉम हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से मुझे इस कलर का बनाना है। इसका भी मैं दो फिंगर पे देखिए इसी तरीके से बनाऊंगी और फिंगर को बिल्कुल टच नहीं करना है। थोड़ा ऐसे देखिए ऐसे हल्का सा लूज रख के तब इसे ऐसे लपेटना है ताकि थोड़ा सा बड़ा बन सके। अगर हम बिल्कुल फिंगर को एक दूसरे से मिला देंगे तो ये थोड़ा छोटा बन के आएगा। और ये ऊन के ऊपर है, आप जितनी लपेटोगे उतना ही बड़ा बन के आएगा ये। इसको भी हम इसी तरीके से ऐसे निकाल के और इसे बिल्कुल ऐसे करके और बीच से बांध देंगे, बिल्कुल सेंटर से बांधना है इसको। और इसमें एक टाइट नॉट्स लगाएंगे अच्छे से खींच के। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे।
और फिर जैसे अभी हमने उसकी कटिंग की थी, जैसे कहीं से ज्यादा कम है, यहाँ से हम इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा को निकाल देंगे, बिल्कुल इनको बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमने आपको दो पॉम पॉम बनाने बता दी हैं। अब जितने भी इस डोरमेट में लगेंगे, देखिए ये हमारे इस तरीके से लगेंगे, अब जितने भी लगेंगे हम उसी प्रकार से, इतने जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे ही हम बना के बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सेम है। फिर अगर हम आपको एक एक करके बताएंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने आपको दो बता दिए हैं, बिल्कुल सेम है, दो फिंगर पे बनाए। अब ये हम पूरे बना के बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, हमने ये पूरे बना के तैयार कर लिए हैं, ये हमने इतने बनाए हैं मेहरूम, और ये येलो हमने इतने बनाए हैं। अब हम आपको इसे कपड़े में लगाना बताएंगे। अब देखिए, हमने एक सुई में सबसे पहले हम जो हमने येलो लिया है इसका राउंड लगाएंगे, तो हमने येलो ही धागा लगाया, और देखिए बहुत ही इजी है इसके अंदर इसको डालना, और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपको उस वाले कपड़े की जरूरत नहीं है जो कि वो लगाते हैं, वो जाली वाला कपड़ा लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, अब इस पम पम को हम ऐसे बीच से निकालेंगे ऐसे, और सुई को हम ऐसे नीचे से वापस निकाल देंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब सुई को फिर से हमें वापस लाना है, और इसे आप कैसे भी वॉश कर सकते हैं, ये अच्छे से वॉश भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकलेगा नहीं, बहुत मजबूती से लग जाता है ये। देखिए, हम दूसरे वाले पम्पम को भी ऐसे ही लगाएंगे, और ये बिल्कुल इनसे भिड़ा के ही लगाने हैं। और ये कपड़ा मेरा ऐसा है, इसमें धागे वगैरह नहीं निकलते। अगर आपका कपड़ा ऐसा है जिसमें धागे निकलते हैं, तो आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। ये मैंने जो एक्स्ट्रा पैंट पड़ी होती है वो वाला कपड़ा लिया है। अब फिर से हम इसे ऐसे निकालेंगे नीचे से, और थोड़ा खींच के लेना है ताकि ये अच्छे से जम जाए, और लाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। और देखिए, सुई को ऐसे इसके ऊपर से निकालना है ताकि ये अच्छे से और मजबूत हो जाए। चाहे तो आप ऐसे ही सुई को वापस ऊपर की साइड ही निकाल सकती हैं, अगर आपको इसे नीचे ऊपर करने में दिक्कत हो तो। देखिए इस तरीके से, और इसे ऐसे खींच दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसके ऊपर। अब देखिए, जैसे मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, जैसे मैं सेम ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें और डिजाइन देना चाहती हैं मतलब, तो देखिए आप एक ऐसे महरूम ले सकती हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे लगाना है ऐसे, और इसको बिल्कुल ऐसे निकालना है ताकि हमारा ये धागा दिखे ना, क्योंकि हमारा इसमें येलो धागा है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, फिर से एक आप ऐसा ही येलो लेंगी, और इसको इस तरीके से लगाएंगी, और इसे ऐसे ऊपर की साइड निकालेंगी इस तरीके से, और ये हमको राउंड पूरा ऐसे ही लगाना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। फिर से हम एक महरूम लेंगे, और इसको हम ऐसे ही बाहर निकाल के ऊपर की साइड सुई को लेके आएंगे, और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप अपने पूजा घर में इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप इसे अपने डोरमेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप ये दिक्कत ना लें कि निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलते, आप इन्हें कैसे भी वॉश कर सकती हैं। देखिए, फिर से एक येलो लेंगे हम, और ये राउंड हमें पूरा ऐसे ही बनाना है। अभी देखिए, ये हमारा डोरमेट बन के तैयार हो चुका है, ये हमने पूरा बना के तैयार कर लिया है। ये एक लाइन हमने ये येलो के लिए है, और एक हमने मेहरूम के लिए है, इस तरीके से बनाया है। आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकती हैं, पूजा घर में, या पूजा घर में यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।